राजस्थान विधानसभा चुनाव में इस बार बीजेपी के सामने बड़ा संकट है। तमाम सर्वे बताते हैं कि अब की बार सूबे में नहीं बनेगी बीजेपी की सरकार। जनता तो सरकार की परेशानी बढ़ा रही है, लेकिन अपने भी पार्टी की नैया डुबोने में लगे हैं। जी हां, राजस्थान के सीएम वसुंधरा राजे और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के बीच मनमुटाव खुलकर सामने आ गया है। टिकट बंटवारे को लेकर दोनों नेता आमने सामने हैं, जिसकी वजह से उम्मीदवारों के नाम का ऐलान नहीं किया गया। राजस्थान बीजेपी में सबसे बड़ी परेशानी आपसी गुटबाजी है। नेता टिकट को लेकर आपस में ही भिड़ रहे हैं। पिछले दिनों केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल के सामने अलवर से बीजेपी नेताओं ने बवाल मचाया था। वहीं इसके बाद जोधपुर और अन्य जगहों से भी नेताओं के बीच तनातनी की खबरें सामने आई। लेकिन अब टिकट बंटवारे को लेकर सीएम वसुंधरा राजे और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ही आमने सामने आ गए हैं। कहा जा रहा है कि राजे जिसे टिकट दिलवाना चाहती हैं, उस पर शाह मुहर लगाने को राजी नहीं। दरअसल पिछले दिनों जयपुर, अजमेर और बीकानेर संभाग में टिकट बंटवारे को लेकर बैठक हुई थी, जिसमें पार्टी अध्यक्ष ने दो टूक लहजे में साफ कहा कि पार्टी उसी उम्मीदवार को टिकट देगी जो चुनाव जीत सकता है। उन्होंने कहा कि राज्य में दोबारा सरकार बनानी है तो कुछ कठिन फैसले लेने होंगे। शाह ने कहा कि अगर किसी सीट पर किसी परिवार के सीनियर मेंबर की जीत की संभावना कम है तो उस पर परिवार के किसी युवा को भी टिकट नहीं दिया जा सकता। इतना ही नहीं, शाह ने पार्टी पदाधिकारियों से हर सीट पर जातिगत आंकड़े, पिछले 5 साल में वहां हुए काम की रिपोर्ट भी मांगी। बीजेपी अध्यक्ष ने ग्राउंड रिपोर्ट के आधार पर ही उम्मीदवार तय करने के निर्देश दिए। जहां एक तरफ शाह जिताऊ उम्मीदवारों पर दांव लगाना चाहते हैं, तो वहीं सीएम वसुंधरा राजे सबको साथ लेकर चलने की वकालत करती नजर आईं। उन्होंने कहा कि पार्टी में सबको साथ लेकर चलना होगा। जो लोग लंबे समय से पार्टी से जुड़े रहे हैं, उनकी अनदेखी नहीं की जा सकती। आपको बता दें कि बीजेपी ने 5 राज्यों में से 4 राज्यों के लिए अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है, मगर अभी तक राजस्थान की 200 विधानसभा सीटों के लिए अपने पत्ते नहीं खोले। अब देखना होगा कि शाह और राजे में रार के बाद सूबे में किन किन उम्मीदवारों पर दांव लगाया जाता है। डीबी लाइव की रिपोर्ट। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए यूट्यूब पर टाइप करें डीबी लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें, ताकि खबरें आप तक पहुँचती रहें। देखते रहिए डीबी लाइव, क्योंकि यहाँ है खबरें लगातार।